भू नक्शा में रास्ता व धरातल पर खेत। ग्रामीणों ने कई बार राजस्व विभाग से लगाई गुहार, उच्च अधिकारियों से भी कई बार हुआ शिकायत, नहीं हुआ आज तक मामला का निस्तारण। जनपद कुशीनगर के विकास खंड दुधी अंतर्गत गोडिया ग्राम सभा मठिया माफी का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों ने बताया कि भू नक्शा में गोडरिया बड़ी गंडक पुल से 100 मीटर उत्तर मेन रोड से 20-30 कड़ी का एक रास्ता निकला हुआ है, जो कि मठिया माफी गांव लोहर टोली में जाकर मिलता है। ग्रामीणों ने बताया कि जिस वक्त पुरुष नसबंदी हो रहा था, उस वक्त नसबंदी कराने वाले व्यक्ति के नाम से 5 कट्ठा खेत पट्टा किया जा रहा था, महज 5 वर्ष के लिए। लेकिन काबिज पट्टा धारक लोगों ने अधिकारियों की सांठगांठ के वजह से पट्टा जमीन जैसे कि तैसे बना रह गया। सबसे पहले इस पर एक सवाल खड़ा होता है कि जब भू नक्शा में रास्ता है तो उसको पट्टा कैसे कर दिया गया। ऐसे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और ग्रामीणों ने बताया कि कई बार राजस्व विभाग में इस मामला को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। ग्रामीणों ने और बताया कि गोडरिया मार्केट जाने और आने में बड़ी गंडक पर बना रास्ते का प्रयोग किया जाता है और रास्ता सुनसान होने के वजह से हर पल चोरी छिनैती का डर बना रहता है। ग्रामीणों ने भू नक्शा में रास्ता को धरातल पर लाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अवैध अतिक्रमण अभियान के तहत अवैध कब्जा को मुक्त कराकर भू नक्शा के तहत धरातल पर सड़क निर्माण होने की आस लगा बैठे हैं। हमारा नाम शोभा गुप्ता है। ये मठिया माफी लोहार टोला, क्या मामला है? कि मामला यही है कि बहुत पुरानी रास्ता है, बहुत पुरानी रास्ता है, बीच में रास्ता बात और बंदर के जमीन सारी लोग कब्जा आबाद कोई किसी के पाटा दिया गया है। ये रास्ता एकदम हम लोग ये रास्ता के लिए एग्री है कि लोग ये रास्ता हम लोग के लिए चाहिए। अच्छा लोग, कितने दिन से यहाँ तो मौका भी देखने पे ये नहीं लग रहा है कि आज तक भी ये इस पे रास्ता बना हो। ये पुरानी सड़क है, हमारे बाबा दादा के जमाने के सड़क है, हम लोग को होश में सड़क बंद है। ठीक है, इसके बावजूद इतने परेशानी हुआ इतने बीच में, कभी आप लोग इसका ऑब्जेक्शन नहीं उठाए कि एक बार नहीं कि हजारों बार इस चीज को प्रस्ताव रखा गया है, बल्कि कोई इसका सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा बताइए, यहाँ से आप लोग का मार्केट कैसा नजदीक पड़ता है? हमारा मार्केट यहाँ से दुदही गुलरिया चौक जैसे गुलरिया है, सिटी जैसे दुदही। अगर आप लोग गुलरिया जाना होता है तो किस रास्ते? गुलरिया जाना होता है तो हम लोग चक्रोड पकड़ के नहर पकड़ते हैं, नहर पकड़ करके तब जाते हैं। रात में अगर रात हो जाता है तो नहर का रास्ता हम लोग काट करके गाँव गई जाते हैं। रास्ते पे मतलब बहुत सा मतलब प्रतिदिन सुनने को मिलता है कि रास्ते पे चोर डाकू सब यहाँ नहर का रास्ता पे हर गए आवारा लखेरा सब रात में घूमते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से कि इस पे रास्ता निकल जाए? हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि रास्ता पुरानी सड़क था, फिर सड़क को खोलना चाहिए। कब का पट्टा कटा हुआ बताइए? ये पट्टा ये इसमें पट्टा कटा हुआ है। हाँ, पट्टा भी इसमें लमसम में 7-8 आदमी पट्टा कटा हुआ है, रोड के जमीन के पट्टा कटा हुआ है। ये बताइए कि जब नक्शा में आपके क्या बोलते हैं रास्ते का जमीन है उस पर पट्टा कैसे कट जाएगा? ये तो कमी प्रधान का, लेखपाल का, वीडियो का, ग्राम सेवक का कमी है। उस वक्त ये जनता का कमी नहीं है। जिस वक्त पट्टा कटा था क्या आप लोगों को पता है? नहीं, नहीं, पता नहीं। हम लोग को पता नहीं है। उस समय हम लोग नादान थे, अचेत थे। अभी इस वक्त आपके प्रधान कौन है? ये मेरा विजय बाबू है। तो इनसे आप लोग कभी सूचित किए हैं कि ऐसा सा मामला है, इसको हल किया जाए? विजय बाबू से सूचित किया है, एक बार इसको सर्वे कराएं। अच्छा, बल्कि फिर भी इसको कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। आप